नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं यूसुफ अली, आप देख रहे हैं सैफ न्यूज़ लाइव। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। इस समय हम मौजूद है वसईया सन सिटी ग्राउंड पर। जैसा कि आज यहां भारतीय जनता पार्टी के दूसरी पोजीशन के नेता अमित शाह की जनसभा होनी थी पालघर के प्रत्याशी हेमंत सवरा के पक्ष में। उस सभा में अमित शाह 4:15 बजे के करीब हेलीकॉप्टर से यहाँ आए पहुँचे। ये पीछे आप देख रहे हो पंडाल जो बना हुआ था वो पूरा खचाखच भरा हुआ था, हजारों की तादाद में लोग यहाँ थे। इस तरफ यहाँ पीछे स्टैंड में अमित शाह और उनके साथ महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे थे। देवेंद्र फडणवीस भी आने वाले थे उप मुख्यमंत्री, लेकिन देवेंद्र फडणवीस नहीं आए। और अजीत पवार उप मुख्यमंत्री, उनका तो नाम ही नहीं था, तो उनका आने का कोई यहाँ पर प्लान नहीं था। लेकिन देवेंद्र फडणवीस का नाम जरूर था, वो नहीं आए। उसके अलावा पालघर के पालक मंत्री रविंद्र चौहान, वर्तमान सांसद राजेंद्र गावित और दूसरे यहाँ के लोकल सभी नेता थे। करीब करीब मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने 17-18 मिनट का स्पीच किया। उसमें उन्होंने इंडिया अलायंस और खासकर उद्धव ठाकरे के ऊपर काफ़ी निशाने साधे और मोदी जी की सरकार को एक प्रगतिशील सरकार बताया। उसके बाद में अंत में अमित शाह, उन्होंने करीब करीब 25 मिनट के अपने भाषण में कई चीज़ों का जिक्र किया और उनकी सरकार की कामकाज गिनाए कि उनकी सरकार ने क्या कुछ किया है। साथ ही साथ उन्होंने अपने विपक्षियों के ऊपर काफ़ी तेज हमला भी बोला। और दोनों ही वीडियो हम अलग अलग दो खबरों में लगा रहे हैं, अनकट भाषण है, आप जरूर सुनिएगा। मैं ज़्यादा कुछ कहना नहीं चाहूँगा क्योंकि काफ़ी बड़ी है उनका भाषण था, काफ़ी लंबा भाषण था, तो आप स्किप मत कीजिएगा, अंत तक जरूर देखिए उनके भाषण को और क्या कुछ उन्होंने कहा वो सुनिए वीडियो में आगे। आज के लिए अभी के लिए इतना ही, नमस्कार। सरकार काम करते दोन वर्ष महायुतीचं सरकार चांगलं करणार।
नहीं खाता आणि ठाकरे पाकिस्तानची करता हे दुर्दैव आज काँग्रेस म्हणले कसाबची गोळीने हे मत करकरे जाता की नाही शहीदांचा अपमान करताय कसा करकरे आपले सांस्कर तांबे ओंबळे ओंबळे सर्व कसाबच्या गोळ्या पोटात घेतल्या पण कसाबला सोडला नाही महिला संसद भवन मार्ग मध्ये महिला नेतृत्व असेल तो महिलांना
हमारे चैनल सैफ न्यूज लाइव पर अपने व्यापार और सेवा से संबंधित विज्ञापन प्रसारण हेतु दिए गए मोबाइल नंबर पर संपर्क करें।